हेलो स्टूडेंट्स, देखो आपका जो ये चैप्टर नंबर थर्ड है उसका हम एक लास्ट टॉपिक आपके बचा हुआ है, रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। तो देखिए, हम देखो चार मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी है? परमाण्विक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता। ये चार मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म होते हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं इनको। अब देखो, इनके अलावा भी आपकी जो बुक है उसमें कुछ टॉपिक और दिए हुए हैं जिनको भी हमें कवर करना है। बुक के लास्ट के जो टॉपिक बचे हुए हैं एक दो, उनको हम आज कंप्लीट करते हैं। तो देखो, अपने टॉपिक का नाम है रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति। क्या है? रासायनिक गुणधर्मों में, रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति। तो देखो बेटा, रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तता जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। पर्टिकुलर बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तत्वों का, उन पर निर्भर करती है क्या? आवर्तता। रासायनिक गुणधर्मों में जो आवर्तता होती है वो किस पर निर्भर करती है? बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। तो देखो, वे तत्व जिनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं वो समान रासायनिक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। कौन से तत्व? जिनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं कि रासायनिक गुणधर्मों में, रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तिता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। अब देखो, वे तत्व जिनके बाह्यतम या फिर बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, समान रासायनिक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। देखो, इस टॉपिक में, इस पॉइंट में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम एक टर्म यहाँ पे एक न्यूज़ में लेते हैं, वो होती है संयोजकता, जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो देखो, संयोजकता क्या होती है? हम बात करते हैं संयोजकता में आवर्तिता। हम यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा। क्या है? संयोजकता में आवर्तिता। संयोजकता क्या होती है? कौन कौन से वर्ग की संयोजकता हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो देखो, संयोजकता जो होती है वो तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म है जो कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर कर रही है? संयोजकता भी किस पर निर्भर कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। देखो, अब हम बात करते हैं कि हम संयोजकता किस प्रकार से निकालते हैं। संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकाली जाती है? तो देखो, किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है? संयोजकता के बारे में क्या बताया मैंने कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। या फिर इसको हम एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि 8 में से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम घटाते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वही तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो इसको एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है।
या हम दूसरे तरीके से संयोजकता किस प्रकार से निकालते हैं? 8 में से हम क्या करेंगे, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा देंगे, 8 में से माइनस करेंगे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो भी हमें क्या प्राप्त होगी, संयोजकता। देखो अब हम बात करते हैं कि एस और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन तत्वों को हमने निरूपक तत्व भी कहा था। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग के तत्व आते हैं, पहले और दूसरे वर्ग के तत्व, और पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18वें वर्ग के तत्व आते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, निरूपक तत्व भी कहते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं निरूपक तत्वों की, कि इन तत्वों की संयोजकता हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एस ओ पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता। तो यहाँ पे हम ग्रुप नंबर लिखते हैं 1, 2, ये एस ब्लॉक हो गया, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये क्या हो गया अपना पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, और ये जो वर्ग होते हैं वो किस में आते हैं, पी ब्लॉक में। तो देखो फर्स्ट वर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता, मतलब संयोजकता हम किस प्रकार से देखते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले वर्ग में तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे आप लिखेंगे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये हो गई अपने। अब हम बात करते हैं कि इसकी संयोजकता क्या होगी, ये जो वर्ग है इन वर्गों की संयोजकता कितनी होगी। तो देखो क्या बताया मैंने, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही क्या होती है, संयोजकता होती है। तो फर्स्ट वर्ग के तत्वों की संयोजकता फर्स्ट 1 होगी, इसकी 2 होगी, 3, 4, इसकी संयोजकता 5, या फिर हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3, इसकी 6, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2, 7, 1, 0 और 8, ये निरूपक तत्वों की संयोजकता हमारे पास आती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम संयोजकता किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ से हमने संयोजकता के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अब देखो एक टॉपिक आता है अपने विकर्ण संबंध, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है कि विकर्ण संबंध क्या होता है। क्या टॉपिक है अपना, विकर्ण संबंध। आप सभी जानते होंगे विकर्ण क्या होता है, जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज बनाया, तो ये क्या हो गया, इसका विकर्ण, मतलब तिरछी जो लाइन होती है क्या कहलाती है, विकर्ण। जैसे ये एक आयत है, तो आयत के एक ट्रायंग एक डायगनल ये हो गया विकर्ण, एक विकर्ण ये हो गया, तो ये क्या है, इसके विकर्ण। तो हम बात कर रहे हैं विकर्ण संबंध की। तो देखो सेकंड और थर्ड आवर्त के जो तत्व होते हैं वो आपस में एक दूसरे से विकर्ण से संबंधित होते हैं, मतलब इनमें विकर्ण संबंध पाया जाता है। तो देखो विकर्ण संबंध किस प्रकार से पाया जाता है, किस किस में पाया जाता है, सेकंड पीरियड, सेकंड आवर्त में और थर्ड आवर्त के कुछ तत्वों में। सेकंड और थर्ड आवर्त के कुछ तत्व होते हैं जो एक दूसरे से विकर्ण पर एक दूसरे से उनके गुणधर्म जो होते हैं वो समान होते हैं। से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, इसको यहाँ पे लिख लो आप कार्बन। उसके बाद से थर्ड आवर्त के तत्व आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकन। देखो अब इनमें विकर्ण संबंध किस प्रकार से पाया जाता है सेकंड और थर्ड आवर्त के तत्वों में। तो देखो लिथियम है वो मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है,
बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है, और बोरोन सिलिकॉन से विकर्ण संबंध दर्शाता है। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम के गुण समान होंगे, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के गुण समान होंगे, और बोरोन और सिलिकॉन के गुण समान होंगे। तो देखो, देखिए बेटा, विकर्ण संबंध क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखो, इसमें केवल दो ही आवर्त के तत्व आते हैं। कौन कौन से आवर्त हैं? दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। दो ही तत्वों के, दो ही आवर्त के जो तत्व होते हैं, वो आपस में विकर्ण संबंध उनमें पाया जाता है। देखो, अब हम बात करते हैं कि विकर्ण संबंध क्या है। तो विकर्ण संबंध में अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आवर्त के विकर्ण पर जो तत्व उपस्थित होते हैं, ये यहाँ पे विकर्ण बन रहा है, और ये अपने आवर्त के उपस्थित, ये आवर्त के तत्व हैं, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन तीसरे आवर्त के तत्व हैं। तो देखो, दोनों आवर्त के जो तत्व हैं उनमें विकर्ण पर उपस्थित जो तत्व होते हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म आपस में समान होते हैं। जैसे लिथियम के गुण मैग्नीशियम से समानता दर्शाएंगे, बेरिलियम के एल्यूमिनियम के गुणधर्म समान होंगे, बोरोन और सिलिकॉन के गुणधर्म समान होंगे। मतलब सेकंड आवर्त के जो तत्व हैं और थर्ड आवर्त के तत्व जो विकर्ण पर उपस्थित है, उनके गुणधर्म आपके समान होंगे। यही क्या कहलाता है? विकर्ण संबंध। तो ये कौन कौन से वर्ग के तत्वों में हमें देखने को मिलता है? लिथियम ग्रुप 1 का तत्व है, बेरिलियम ग्रुप 2 का तत्व है, बोरोन 13 और कार्बन 14। मतलब फर्स्ट, सेकंड, 13 और 14 वर्ग के जो तत्व होते हैं, उन्हीं में केवल विकर्ण संबंध पाया जाता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि इनमें विकर्ण संबंध क्यों पाया जाता है, क्या कारण होता है कि ये जो तत्व होते हैं विकर्ण पर उपस्थित, इन तत्वों के गुणधर्म आपस में समान होते हैं। तो देखो, जब कोई भी दो तत्वों के गुणधर्म तब समान होंगे जब उनका आकार समान होता है। क्या समझाया मैंने आपको कि कोई भी दो तत्व हैं उनके गुणधर्म तब समान होंगे जब उनका आकार समान होता है। देखो, अब हमने बात करी थी कि आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु का जो आकार होता है वो बढ़ता है। कैसा होता है परमाणु का आकार? ये साइन है ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर। परमाणु आकार बढ़ता है, लेकिन जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार कम होता है। बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है? कम होता है। तो देखो, जब हम लिथियम से सोडियम की तरफ चलेंगे, लिथियम से सोडियम की तरफ चलेंगे, मतलब वर्ग में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिथियम का जो आकार है वो सोडियम से छोटा होगा, मतलब सोडियम का आकार बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं हम तो परमाणु का आकार बढ़ता है। और जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार कम होता है। तो देखो, लिथियम का आकार सोडियम से कम है, और इसी प्रकार जब हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो आकार क्या होता है? कम होता है। आवर्त में जब हम, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? आवर्त की। यहाँ हमने बात करी थी वर्ग की। तो देखो, लिथियम का आकार यहाँ पे कम है, सोडियम का आकार ज्यादा है, और जब हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो आकार क्या होता है? सोडियम का ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का कम होता है। मतलब लिथियम का आकार भी कम है, मैग्नीशियम का आकार भी कम है, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या दर्शाते हैं? गुणों में समानता, क्योंकि इनके जो आकार होते हैं, इन दोनों का आकार होता है वो लगभग समान होता है,
बिल्कुल समान हम नहीं कह सकते, क्या होता है लगभग समान, तो यही क्या है अपने विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध क्या है कि दोनों आवर्त में विकर्ण पर जो तत्व उपस्थित होंगे उनके गुणधर्म आपस में समान होते हैं। विकर्ण संबंध क्या बताता है हमें कि दोनों आवर्त, कौन कौन से आवर्त, सेकंड और थर्ड, दोनों आवर्त सेकंड और थर्ड, दोनों आवर्त के या दोनों आवर्त में विकर्ण पर उपस्थित तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। ये क्या था अपना विकर्ण संबंध। अब देखो इसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ है अपने, वो क्या है परिरक्षण प्रभाव, या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं शिंडलिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परिरक्षण प्रभाव। तो यहाँ पे आप समझेंगे परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव या फिर इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं शिंडलिंग इफेक्ट। या फिर इसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब देखिए बेटा समझो आप कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। तो देखो यह एक प्रकार का परमाण्विक गुण है जो कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में यह पाया जाता है। अब देखो इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे आप इसको समझोगे, समझेंगे कि परिरक्षण प्रभाव किस प्रकार से प्रभावी होता है। तो देखो हम यहाँ पे एक परमाणु की संरचना बनाते हैं, ये नाभिक हो गया, नाभिक के चारों तरफ कोश पाए जाते हैं, अलग अलग के एल एम इनका नाम होता है, जैसे के कोश हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एक कोश और बना दो एन। तो ये क्या है कोश, इनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नाभिक में धनावेश पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स पर ऋणावेश पाया जाता है। ये आप सभी को पता होगा कि नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, धनावेश। अब देखो क्या होगा, धनावेश और ऋणावेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और इसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय आवेश कहते हैं हम। कि नाभिक का जो प्रभाव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब देखो यहाँ बाह्यतम जो ये कोश है के एल एम एन, जो नाभिक के बाहर कोश उपस्थित है इनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पर भी कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पर ऋणावेश पाया जाता है, और अंदर के जो कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर भी क्या पाया जाता है, ऋणावेश। तो देखो अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि समान जो ध्रुव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण। तो नेगेटिव नेगेटिव, ऋणावेश ऋणावेश आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखो जब ये आपस में प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस प्रतिकर्षण के कारण नाभिक का, ये नाभिक है और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो रहा है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसे ही हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। देखो क्या समझाया मैंने, ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रतिकर्षण के कारण नाभिक और बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं इसके बीच में आकर्षण कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं, इसलिए
नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण है वो कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो इसे ही हम परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। देखो ये एक स्क्रीन लाइक संरचना बनती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये हमने बात कर ली परिरक्षण प्रभाव की। अब देखो संयोजकता जो होती है, आजकल संयोजकता के स्थान पर एक अलग टर्म प्रयोग की जाती है। उस टर्म का क्या नाम है? उस अलग शब्द प्रयोग किया जाता है और वो शब्द क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं हम? ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। किसकी बात करते हैं हम? ऑक्सीकरण अवस्था की। हम ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से निकालते हैं? क्योंकि अपने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि तत्वों से यौगिक बनते हैं, उन यौगिकों के अणुसूत्र का हमें फॉर्मेशन करना है, तो वहाँ हमें ऑक्सीकरण अवस्था पता होनी चाहिए। ऑक्सीकरण अवस्था हमें पता होगी तभी हम उनका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अणुसूत्र की हम रचना कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, वो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। देखो जो ग्रुप 1 होते हैं, ग्रुप 1 के जो तत्व होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं। तो देखो क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +1 होती है। क्षारीय धातुओं की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है कितनी होती है? +1। क्षारीय धातुएं कौन कौन सी होती है? जैसे सोडियम, लिथियम। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, जिसे क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। तो देखिए क्षारीय मृदा धातुएं जो होती है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है? +2। कौन कौन से तत्व आते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंसियम। और देखो फ्लोरीन जो होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 होती है। क्लोरीन की भी -1 होती है। मतलब हेलोजन जो वर्ग के, हेलोजन वर्ग के जो तत्व हैं जितने भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी संयोजकता कितनी होती है? -1। हाइड्रोजन की +1 होती है। लेकिन हाइड्राइड के केस में, जब हाइड्राइड बन रहा है तो उस केस में इसकी संयोजकता -1 होती है। कितनी होती है? -1। जैसे हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे क्लोरीन की तो कितनी होगी? 1 होगी। और हाइड्रोजन की भी कितनी होगी? -1। क्लोरीन की भी -1। तो ये कुछ वर्गों की संयोजकता है जो फिक्स होती है, वो आपको याद रखनी है। अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं कि हम यौगिक का जो अणुसूत्र है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे। देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें यौगिकों के अणुसूत्र का फॉर्मेशन करना है, अणुसूत्र बनाना है। यौगिक आपको दिए हुए हैं, तो देखो कौन कौन से यौगिक हमें दिए हुए हैं? सिलिकॉन और ब्रोमीन, सिलिकॉन एवं ब्रोमीन। तो अब हम बात करते हैं कि हमें तत्व दिए हुए हैं या यौगिक हमें दिए हुए हैं, उनका हमें अणुसूत्र बनाना है, तो हम उनका अणुसूत्र किस प्रकार से बनाएंगे? एवं ब्रोमीन। देखो सिलिकॉन क्या है? 14वें वर्ग का तत्व है। तो 14वें वर्ग की संयोजकता कितनी होती है? +4। और हेलोजन जो समूह होता है, हेलोजन की कितनी होती है संयोजकता? 1, -1।
तो यहाँ पे प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता, हमको क्या लिखना है, संख्या लिखनी है कि इनकी संयोजकता कितनी होती है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। हम संयोजकता को देखते हुए इनका अणुसूत्र हम बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिलिकॉन और ब्रोमीन, इनका हमें अणुसूत्र बनाना है। तो सिलिकॉन की जो संयोजकता होती है +4, इसकी होती है -1। अब हम क्या करते हैं, अणुसूत्र बनाने के लिए इनकी जो संयोजकता होती है उनको हम परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं कि जो -1 है वो सिलिकॉन के साथ जाकर जुड़ जाएगा और 4 है वो ब्रोमीन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनका जो संयोजकता होती है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ से आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ से जो क्या बनेगा, Si और ब्रोमीन Br4, क्योंकि ब्रोमीन सिलिकॉन की जो 4 थी संयोजकता वो ब्रोमीन के साथ जाकर जुड़ जाएगी। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, SiBr4। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एल्यूमिनियम तथा सल्फर। एल्यूमिनियम तथा सल्फर, तो हम एल्यूमिनियम लिखेंगे और सल्फर लिखेंगे। तो देखो एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इनकी संयोजकता 3 और 2 होती है। अब हमें क्या करना है, इनको ट्रांसफर करना है। एस के साथ 3 आ जाएगा और एल्यूमिनियम के साथ 2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Al2S3। क्या बन गया इसका अणुसूत्र। देखो ऐसे ही हम अपने एक क्वेश्चन लेते हैं, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा। कि बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 32, तो यहाँ पे दिया हुआ है लिथियम और ऑक्सीजन। तो लिथियम की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो 2 है वो लिथियम के साथ जुड़ जाएगा और 1 है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो कितना बनेगा, Li2O। तो इस प्रकार से इसका अणुसूत्र बन जाएगा। सेकंड एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें सेकंड दिया हुआ है आपको मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, Mg और नाइट्रोजन। तो Mg की जो संयोजकता होती है +2 होती है और नाइट्रोजन की कितनी होती है, -3। या फिर हम इसको अष्टक नियम के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि कोई जो तत्व है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, अष्टक कंप्लीट करने के लिए उसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब आप फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम लुईस संरचना पढ़ेंगे, अष्टक नियम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैं -3 +2 ये लिख रही हूँ ये किस आधार पर लिख रही हूँ। जैसे कोई भी तत्व है वो अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहता है स्थायी रहने के लिए। तो नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, -3। तो अभी आप सिर्फ इतना सा समझ लो, बाकी आप जब फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे रासायनिक बंध उसमें आप पूरा और अच्छे से समझेंगे अष्टक नियम लुईस संरचना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg के साथ तो 3 जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन के साथ 2। तो यहाँ से जो सूत्र बनेगा वो बनेगा Mg3N2। हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और आयोडीन। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, +3। आयोडीन की होती है -1, तो ये बनेगा AlI3। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।